आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बने इतिहास के अजय किले की, जिसका नाम है अजयगढ़ किला। इस किले का निर्माण चंदेल वंश के राजा गुमान सिंह ने करवाया था। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं का राज था और उन्होंने अपने राजकाल में बेहद ही खूबसूरत किलों का निर्माण करवाया। और जाहिर सी बात है कि जब किले में राजा का वास हुआ करता था तो वहाँ खजाने को रखने की व्यवस्था भी होती थी, और उस खजाने तक कोई ना पहुँच सके इसलिए उसे एक पहेली का रूप दे दिया जाता था। ऐसी ही कई अनसुलझी पहेलियाँ अजयगढ़ किले के अंदर लोगों को दिखाई देती हैं, जिनमें से सबसे दिलचस्प पहेली किले के अंदर एक पत्थर पर कुछ कलाकृतियों के साथ एक ताला चाबी के रूप में तराशी हुई है और उसके ऊपर एक दूसरे पत्थर पर किसी प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसे लोगों ने पढ़ने की बहुत कोशिश की है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें शायद किले में छुपे खजाने की जानकारी हो सकती है। किले के खजाने का रहस्य और गहराता है जब किले में आगे बढ़ने पर उसके मुख्य द्वार की चौखट पर कुछ अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें ध्यान से देखने पर कुछ कुंडली नुमा आकृति प्रतीत होती हैं, जिनमें चौखुंटे आकार में कुछ अक्षर और अंकों को लिखा गया है और इनके नीचे और ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, मानो इन पहेलियों की जानकारी लिखी हो। इस किले के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते हैं। इस किले में और घूमने पर कई प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और बड़े बड़े पत्थरों पर बनी हुई प्राचीन और दिलचस्प आकृतियां दिखाई देती हैं। यहां एक और बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बड़े से पत्थर पर एक बड़ी सी गाय बनी हुई है और उसके ऊपर एक छोटा सा ताला चाबी बना हुआ है। इस पत्थर को ध्यान से देखने पर लगता है कि यह पूरी तस्वीर नहीं है, बल्कि किसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। इस पहेली का एक पहलू और भी नजर आता है, और वह है कि इस पत्थर पर गाय के पैरों के नीचे की ओर ध्यान से देखने पर बड़ी ही बारीक तरीके से कोई प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसका बाकी का हिस्सा कहीं खो चुका है। तो क्या जो नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर बनी आकृतियों के बारे में कुछ बताता है? क्या इस लिपि में ताले चाबी का कोई राज छुपा हुआ है जो छुपे खजाने तक पहुंचा सकता है? आखिर गाय के ऊपर ये ताला चाबी बनाने के पीछे बनाने वाले का क्या मकसद हो सकता है, और नीचे लिखी लिपि के द्वारा वो क्या बताना चाहता था? ये सारे सवाल आज भी सिर्फ सवाल ही बनकर रह गए हैं। और इसके अलावा एक और पत्थर अजयगढ़ किले में प्रवेश करने पर मुख्य द्वार के पास दिखाई देता है। इस पत्थर पर बेहद ही प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसे अभी तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है, और शोधकर्ताओं के अनुसार यह कोई प्राचीनतम नागरी लिपि हो सकती है, जिसके पीछे की वजह शायद ये हो सकती है कि गौर से देखने पर इस शिला पर लिखे हुए कुछ अक्षर हिंदी भाषा के अक्षरों से मेल खाते लगते हैं, और माना जाता है कि हिंदी भाषा नागरी लिपि का ही एक विकसित रूप है।